भोला, आखिरकार दोस्तों हम सभी के बीच में दस्तक दे चुकी है और आते से ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में वो जादू कर दिया है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट की ऑक्यूपेंसी इतनी ज्यादा बेहतरीन और इतनी ज्यादा तगड़ी है जिसके बारे में क्या कहने। अगर बात करी जाए तो भोला मूवी जो रिकॉर्ड बनाने वाली है वो शायद से अजय देवगन सर की पुरानी फिल्म दर्शन 2 ने भी नहीं बनाए होंगे। हो सकता है कि ये शायद से साउथ की फिल्म के रीमेक है। और दोस्तों एक बात कंफर्म है कि जहां पर अजय देवगन सर का चारों डिस्प्ले में करंट डाला वहां पर दोस्तों ये फिल्म एक बार फिर से न्यू फिल्म बन चुकी है। दोस्तों आज के दिन हम बात करेंगे भोला मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिरकार फिल्म का बस क्रेज और ऑक्यूपेंसी कैसी बनी हुई है। तो अगर आप भी अजय देवगन सर के काफी बड़े फैन और जानना चाहते हैं भोला मूवी के पब्लिक रिव्यू और डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अपडेट, तो आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों फिल्म भोला मूवी की, तो यह मूवी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर आपको अजय देवगन सर और तब्बू मैम काम करते हुए नजर आती है। इस मूवी के अंदर आपको अजय देवगन सर एक ऐसा किरदार के बारे में बताया जाता है जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़पता है, पर दोस्तों उनकी बेटी से मिलने के लिए पहले ऊपर वाला काफी सारा परीक्षा लेता है और उन सभी परीक्षाओं को पार करके वो इन सभी रोड़ों को दूर करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे में दोस्तों तब्बू मैम का भी वो काफी सारा साथ देते हैं और दोस्तों उनके अलावा इस मूवी के अंदर अदर स्टार कास्ट जो काम कर रही है वो है संजय मिश्रा, दीपक भदौरिया, गजराज राव और विनीत कुमार जैसे शानदार एक्टर। बात करी जाए तो मूवी को हम सभी के बीच में काफी बड़े लेवल पर रिलीज करा जा रहा है, यही कारण है कि मूवी को 4000 से ज्यादा स्क्रीनें दी गई है। मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का बताया जा रहा है और जिस हिसाब से फिल्म का बज और क्रेज देखने को मिल रहा है, फिल्म ने अपनी जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है वो बताई है लगभग 13% की, आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी हमको देखने को मिलती है 16% की, इवनिंग की जो शोज है उसकी ऑक्यूपेंसी हमको देखने को मिलती है 20% की और दोस्तों जो नाइट के शोज है उसकी ऑक्यूपेंसी हमको लगभग 21 से 22% की देखने को मिल रही है। यही कारण है कि दोस्तों मूवी को हम सभी के बीच में 2D, 3D, IMAX 3D और 4DX के अंदर रिलीज कराया गया है। हम सभी के बीच में यह मूवी एक 2019 की आई फिल्म केथी का रीमेक बताया जा रहा है। इस मूवी को डायरेक्ट भी अजय देवगन सर ने करा है और फिल्म को प्रोड्यूस भी अजय देवगन सर ने ही करा है। यही कारण है कि मूवी का जो बजट है वो लगभग 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि आखिरकार भोला मूवी को हिट होने के लिए, सुपर हिट होने के लिए और ब्लॉकबस्टर होने के लिए कितने करोड़ रुपए कमाना होंगे, तो आप सभी को बताया कि मूवी का बजट है 100 करोड़ रुपए, तो मूवी को हिट होने के लिए लगभग 110 करोड़, सुपर हिट होने के लिए 120 करोड़ और दोस्तों ब्लॉकबस्टर होने के लिए लगभग फिल्म को 200 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा, जो कि मुझको लगता है कि ये फिल्म बड़ी आसानी से कर लेगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं फिल्म के फर्स्ट डे ओपनिंग कलेक्शन की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि इस फिल्म के ट्रेलर को अच्छे खासे व्यूज देखने के लिए मिले और फिल्म के ट्रेलर ने लगभग 47 मिलियन व्यूज प्राप्त करे हैं, वहीं पर दोस्तों फिल्म के सारे गाने भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहे। तो दोस्तों जिस तरीके से मूवी का बस क्रेज और ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिल रही है, फिल्म हम सभी के बीच में अपने पहले दिन लगभग 16 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। जी हां दोस्तों, फिल्म अपने पहले दिन 16 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है और फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन रहेगा लगभग 22 करोड़ रुपए। वहीं पर दोस्तों फिल्म ओवर एसेस से 8 करोड़ रुपए कमा सकती है, जहां पर इस फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 30 करोड़ रुपए के आसपास का आ सकता है। अब दोस्तों आपके ओपिनियन क्या है, अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं और अगर देख के आ चुके हैं और अगर आप अजय देवगन सर के काफी बड़े फैन हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी और दोस्तों आपने फिल्म को कितने स्टार रिव्यू दिए। जय हिंद, वंदे मातरम।